মধ্যপ্রদেশৰ ভূপালত ডক্টৰ শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনী সভা সভাত ভাৰতীয় জনসংঘৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ডক্টৰ শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ প্ৰতিমূৰ্তি অনাৱৰণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ মোহন যাদৱে দেশৰ ঐক্য আৰু অখণ্ডতাৰ বাবে নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰা ডক্টৰ মুখাৰ্জীৰ আদৰ্শ অনুসৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনালে মোহন যাদৱে সকলোৱে সমৃদ্ধিশালী আৰু শক্তিশালী জাতি গঠনৰ বাবে ডক্টৰ শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীক অনুসৰণ কৰাটো উচিত বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে আঞ্চলিক সংগঠন মন্ত্রী অজয় জামল বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি ভিটি শর্মা রাজ্যিক মন্ত্রী কৃষ্ণা গোর আর অন্যান্য সহযোগী কেবাগৰাকীও দলীয় কর্মী ডক্টর শ্যামাপ্ৰসাদ মুখার্জীকে জয়ন্তী কে অবসর পর আয়োজিত ইস কার্যক্রম মে যশস্বী অধ্যক্ষ শ্রীমান বিষ্ণুদত্ত শর্মা জি আমার সংগঠন কে ক্ষেত্রীয় সংগঠন মন্ত্রী মাননীয় অজয় জামল জি ইস অবসর পর আমার বরিষ্ঠ নেতা और भारत सरकार के भी दो बार केंद्रीय मंत्री रहे माननीय सुरेश पटोली जी इस अवसर पर मेरे साथ सरकार में मंत्री माननीय कृष्णा गौर जी माननीय विश्वास सारंग जी महापौर जी माननीय सभी विधायकगण भाजपा के माननीय स्थानीय सांसद आलोक शर्मा जी जिला अध्यक्ष सुरेश पटोली जी सुमित पचौरी जी सुरेश पचौरी जी मैं आज के इस अवसर पर बधाई देना चाहूंगा। जब भी निकलता था ऐसा लगता था कि यह कार्यक्रम अटक रहा है कहीं न कहीं, लेकिन परमात्मा की इच्छा जब मौका आता तभी होता है। मैं नगर निगम को बधाई देना चाहूंगा। ये वर्षों से आलोक जी सर आपके समय का ये प्रकल्प था, थोड़ा स्थान आगे आया पीछे आया ऐसे अलग अलग प्रकार से, लेकिन हमारी जो परंपरा है डॉक्टर मुखर्जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय है महापौर से सांसद का सफर का साक्षी अगर कोई स्थान है तो यह हमारा अपना आज का प्रतिमा स्थल है। मेरी अपनी ओर से आप सबको डॉक्टर मुखर्जी का जीवन सबके सामने खुली किताब की तरह है और अत्यंत श्रद्धा के साथ पूरा देश उनके उस योग्य बलिदान को कभी भूल नहीं सकता है जो उन्होंने, वैसे तो बहुत सारे योगदान है लेकिन दो बड़े भूमिका, एक बंग भंग आंदोलन के समय पश्चिम बंगाल का विभाजन देश के लिए कितना खतरनाक होगा ये इंगित किया, दूसरा धारा 370 को लेकर के न केवल देश का ध्यान आकर्षित किया बल्कि आप आत्म बलिदान करके पूरे देश को इस तरफ ध्यान आकर्षित किया कि ये धारा 370 भविष्य का बहुत बड़ा खतरा होगी। हमारे जनसंघ के आद्य संचालक की तरह हमारा वही तरह से आद्य अध्यक्ष के नाते जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष है ना, संस्थापक अध्यक्ष जिन्होंने राजनीतिक दृष्टि से हमारा दृष्टिकोण दुनिया के सामने देश की एकता अखंडता को लेकर क्या होना चाहिए, जनसंघ के समय से आजादी के तुरंत बाद राजनीतिक दृष्टिकोण में राष्ट्रवादी विचार को ला करके जिस प्रकार से मुखर्जी ने अपनी भूमिका अदा की है हम सब कभी उनको भूल नहीं पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं भोपाल नगर निगम को, प्रशासन को, सभी को बधाई देना चाहूंगा। ये अच्छा कार्यक्रम हुआ है आज के सब